वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी की ग्राम पंचायत चमरुआ में ग्रामीणों ने खनियाना थाना में या इस बीच पंचायत की तो बता दें इसी के साथ ही शिवपुरी की मां पंचायत चमरुआ में की गई तो यहां राशन ना मिलने से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो बता दें आपको कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस बीच यहां तहसील में नवनियुक्त एसडीएम के पास पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने नवनियुक्त एसडीएम काजल जावला को चमरुआ में स्थित शासकीय खाद्यान्न वितरण केंद्र पर नियुक्त सेल्समैन की मनमानी को लेकर शिकायत दी। तो यहां ग्रामीणों ने बताया कि हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित खाद्यान्न नहीं दिया जाता और जिनको दिया जाता है उन्हें कम मात्रा में दिया जाता है और इन्हीं सब परेशानियों को लेकर चमरुआ के ग्रामीण एसडीएम के सामने प्रस्तुत हुए और अपनी शिकायत लिखित रूप में दी गई। तो इस बीच एसडीएम ने मामले पर तुरंत कार्यवाही करते हुए चमरुआ ग्राम पहुंचकर शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर जाकर जांच की और संबंधित दस्तावेजों और ग्रामीणों की शिकायत को लेकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। जगदीश जी, क्या मामला है? सर, जो सेल्समैन परेशान करते हैं और वो खाद्यान्न नहीं देते हैं, किसी किसी को आधा देते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं देते हैं। कौन सी ग्राम पंचायत का मामला है ये? पंचायत है चमरुआ। चमरुआ ग्राम पंचायत का मामला है? हाँ। आप हितग्राही हैं? हाँ, हम हितग्राही हैं। राशन मिलता है, समूह का भी नहीं दिया है, अभी 10-12 क्विंटल समूह का खा गया है। समूह आपका ही है या किसी और का? समूह हमारा ही है। समूह का खाद्यान्न भी नहीं मिलता है? नहीं मिला है। कब से नहीं मिला है? जून जुलाई अगस्त 2020 का खाद्यान्न आपको प्राप्त ही नहीं हुआ है? हाँ सर। पर्ची मिल चुकी है? पर्ची है हमारे पास। ग्रामीण क्षेत्र मेरे पास शिकायत तो नहीं आई इसकी, पर वहाँ पे उसने बदतमीजी किया है पब्लिक के साथ, में अच्छा व्यवहार नहीं है उसका, ठीक से नहीं मानता है एसडीएम को, और मेरे पास कोई बात आएगी तो मैं वो लेटर जांच के लिए एसडीएम को भेज दूँगा। सर, पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 2-3 मामले बहुत सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं, मेरे समय में तो कोई लेटर नहीं आया, शिकायत नहीं आई, और एसडीएम साहब के पास में आया होगा, उसके बाद एसडीएम साहब बता पाएंगे क्या स्थिति है, और उनके कार्यक्षेत्र में आता है एसडीएम साहब को ही उसके विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है, वो जरूर उसमें कार्रवाई करेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।